जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रूपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर देखिए आज का वीडियो है कि सीजीपी उनका कटअप देखने वाला है। जैसे कि देखिए छत्तीसगढ़ चपरासी भर्ती के लिए इमला लेख के लिए कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कटअप कितना जाएगा, पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका एग्जाम 25 सितंबर को था। ठीक है, 25 सितंबर को प्यून भर्ती का एग्जाम था। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को पूछा गया है कि बहुत सारे परीक्षार्थियों को पूछा है कि कैसे एग्जाम आया था, तो वो सभी ने आंसर दिया है सरल। ठीक है, मतलब सभी लोगों को सरल आंसर मतलब सरल क्वेश्चन दिया गया था, ये सब परीक्षार्थियों का कहना है। तो चलिए देखते हैं कि कटअप कितना जाएगा और कौन कौन इमला लेखन के लिए सम्मिलित हो सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए शामिल होगा। तो चलिए देखेंगे इसके कैंडिडेट में पूरी जानकारी। दोस्तों सबसे पहले इसका पोस्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट पद का नाम देखिए, यहाँ पर भृत्य है जो कि 25 सितंबर को एग्जाम हुआ है। ठीक है, ये इसके पोस्ट सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, कटअप कितना जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए 34 है, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए इतना दिया गया, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 25, अन्य पिछले वर्ग 11। इसके बाद देखिए कुल रिक्तियों का वर्गवार देखें, उसके बाद अनारक्षित के लिए 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है महिलाओं के लिए। ठीक है, आरक्षित पद के बाद बात कर रहे हैं, उसके बाद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 है, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद है, तो देखिए यहाँ पर अनुसूचित के लिए अनारक्षित के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 है। यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 80 योग है, और दोनों को मिलाकर यानी कि आपका टोटल 80 और प्लस लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि दोनों को मिलाकर टोटल 91 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कटअप की। दोस्तों यहाँ पर कटअप की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हमने एनालिसिस किया है काफ़ी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से और परीक्षार्थियों से, पेपर कैसे बना है या कितने नंबर का तक बना है, ये सभी कैंडिडेट या परीक्षार्थियों को पूछा है, उसके बाद एनालिसिस करके हमने ये बनाया है। ठीक है, और साथ ही अगर आप इतने नंबर तक ला सकते हैं तो आपको इमला लिखने के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जनरल मेल की बात करते हैं तो 135 से 140। ठीक है, उसके बाद ओबीसी मेल के लिए बात करते हैं तो 130 से 135, उसके बाद एससी मेल के लिए बात करते हैं तो 125 से 130 है, इसके बाद आपके देखिए यहाँ पर एसटी मेल के लिए बात करें तो 110 से 115, उसके बाद जनरल फीमेल के लिए बात करें तो यहाँ पर 125 से 135 जा सकता है, ओबीसी फीमेल की बात करें तो 120 से 130 रहेगा, साथ ही देखिए एससी फीमेल की बात करें तो 110 से 115 और एसटी फीमेल के लिए 90 से 100। अगर आपका स्कोर इतना नंबर तक आ रहा है तो आपको इमला लेख के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। साथ ही देखिए इतना नंबर तक आएगा तो आपको यानी कि 5 गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 गुना कैंडिडेट इसके लिए इमला लिखने के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इमला में पास हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर दें। आइए।